तो वायरिंग चेक करवाऊं तो भाई अपना साउंड बैरियर की वायरिंग हो रही है, ये चीज चेक करो। 8 गेज की रहने वाली है, मैं कुछ ऐसा रहने वाला है। और भाई मेन चीज मैं यही बोलूंगा कि दोनों तरफ से करो ताकि बेटर आप लोग को साउंड आउटपुट। जैस की बहुत कम वीडियो है मॉडिफिकेशन की यूट्यूब पे, तो भाई मेरी भी आप लोग चेक कर लेना। सो आप लोगों ने चेक करना, बिल्कुल एस टू एस फिटिंग हुई है, ये चीज चेक करो, बिल्कुल एस टू एस फिटिंग हो चुकी है। फ्लोरिंग के फायदे मैंने आप लोग को बता दिए, साथ साथ अपने जो वहाँ के डोर थे वो भी भाई अपने डैम्प हो चुके हैं, चेक करो। इंटीरियर रेडी हो रहा है, पूरी गाड़ी में डैम्पिंग हो रही है, काफी अच्छा ऑडियो का काम हो रहा है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया। डैम्पिंग विदाउट डैम्पिंग के फायदे नुकसान सब कुछ मैंने आपको बताया, साथ साथ फ्लोरिंग के फायदे नुकसान सब कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कवर किया। 2021 के होंडा जैज का टॉप मॉडल है, उसके ऊपर आज मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है, एंड में आप लोग को प्राइस बताऊंगा कि भाई आप लोग को भी ये काम करवाना है तो आप लोग को टोटल प्राइसिंग कितनी आती है। तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है, तो लेट्स गो। तो भाई आज मैं आप लोग को मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ दी ऑल न्यू होंडा जैज की। तो भाई सबसे पहले फ्रंट लुक चेक कर लो, इसकी मैंने एक डिटेल रिव्यू बना रखी है चैनल पे, जिसने नहीं देखा भाई आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो भाई इसके अंदर फुल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मॉडल और वेरियंट की बात करें तो भाई अपना बेस मॉडल नहीं है, अपना बिल्कुल टॉप मॉडल जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आता है ZX वाला मॉडल रहने वाला है। और भाई जो भी काम हो रहा है सारा अपना लिथकार एक्सेसरीज पे हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा दूँ इसके अंदर फुल मॉडिफिकेशन हो रही है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं तो वायरिंग चेक करवाऊं तो भाई अपना साउंड बैरियर की वायरिंग हो रही है, ये चीज़ चेक करो। 8 गेज की रहने वाली है और साउंड बैरियर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं आप लोग को दिखाऊं। साथ साथ इंटीरियर में पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है और भाई अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोग को डैम्पिंग चेक करवा दूँ, तो भाई डैम्पिंग में आपको अंदर और बाहर दो लेयर की डैम्पिंग हो रही है, एक बिल्कुल एक्सटर्नल भी हो रही है और एक बाहर की साइड भी हो रही है। और डैम्पिंग की क्वालिटी की बात करूँ तो अपना पैरामेट का रहने वाला सिल्वर पैनल मैं आप लोग को चेक करवाऊँ, तो ऐसा कुछ रहने वाला। एक बार बैक डोर भी आप लोग को दिखाऊं, तो बैक डोर आप लोग चेक कर सकते हो, इंटीरियर में कुछ ऐसा रहने वाला है। और भाई मेन चीज़ मैं यही बोलूँगा कि दोनों तरफ से करो ताकि बेटर आप लोग को साउंड आउटपुट आए, तो ये चीज़ चेक करो। अभी यहाँ पे होना बाकी है, वहाँ पे हो चुका है, तो ये चीज़ चेक करो। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। साथ साथ स्पीकर की बात करें तो स्पीकर सर स्टॉक ही रन करेंगे, ऐसा कुछ रहने वाला है स्टॉक वाला। साथ साथ भाई गाड़ी में अपनी पूरी फ्लोरिंग हो रही है, सो फ्लोरिंग में कुछ ऐसा कपड़ा रहने वाला है, ये चीज़ चेक करो। नई गाड़ी है तो भाई फ्लोरिंग ज़रूर करवाना अपनी गाड़ी में, फ्लोरिंग के फायदे होते हैं, जैसे कोई दूध हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नीचे गिरने के बाद उसका स्मेल नहीं जाती, सो फ्लोरिंग में जस्ट आप उसे साफ़ कर सकते हो। साथ साथ नीचे का जो पैनल होता है उसको रस्ट से बचाती। और आज कुछ यूनिक दिखाऊंगा मैं आप लोग को जैज़ के अंदर, और जैज़ की बहुत कम वीडियो है मॉडिफिकेशन की यूट्यूब पे, तो भाई मेरी भी आप लोग चेक कर लेना। साथ साथ स्टेयरिंग मैं दिखाऊं तो भाई इस कलर में अपना इंटीरियर रेडी हो रहा है, सीट कवर और ये वाला। और भाई ये कपड़े की बात करें तो भैया बताएंगे, भैया कौन सा कपड़ा है? ऑस्ट्रेलियन लेदर रहने वाला, भैया ने आप लोग को बता दिया। तो भाई बाकी सीट, ये स्टेयरिंग की भाई फिनिश देखो, मैं आप लोग को दिखाऊं तो भाई कितनी प्यारी फिनिश निकल के आई है, सब कुछ आप लोग के सामने। साथ साथ वायरिंग की भी मैं आप लोग को बता रहा था, तो वायरिंग भाई अपनी साउंड बैरियर का कुछ ऐसा इसका फ्यूज देखने को मिल जाएगा आप लोग को, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और पूरी गाड़ी का काम हो रहा है साथ साथ, मैं आप लोग को दिखाऊं, वूफर भी लग रहा है। सो एक बार प्रॉपर काम चलने देते हैं, उसका जैसे जैसे होता है मैं आप लोग को अपडेट करता हूं। सो गाइस धीरे धीरे गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोग को दिखाऊं, फ्लोरिंग हो चुका है धीरे धीरे, मैं आप लोग को एक बार चेक करवाऊँ। सो आप लोगों ने चेक करना, बिल्कुल एस टू एस फिटिंग हुई है, ये चीज़ चेक करो, बिल्कुल एस टू एस फिटिंग हो चुकी है। फ्लोरिंग के फायदे मैंने आप लोग को बता दिए, साथ साथ अपने जो वहाँ के डोर थे वो भी भाई अपने डैम्प हो चुके हैं, चेक करो। अगर आप भाई मिड रेंज में जाना चाहते हो, हाई एंड में नहीं जाना चाहते डैम्पिंग में, या फिर लो में भी नहीं जाना चाहते, तो आप पैरामाइट पे जा सकते हो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ फॉलो करते हो तो मैंने स्विफ्ट में और भी काफ़ी गाड़ियों में दिखाया और भाई उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी आप लोग चेक करो, वायरिंग का भी प्रॉपर कटिंग करके उसमें निकाल दिया गया, जिसे प्रॉपर ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा यहाँ बेस ट्यूब से, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वो फिर बेस ट्यूब जो भी है सब कुछ मैं आप लोग को चेक करवाऊंगा धीरे धीरे। साथ साथ भाई स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो सर स्टॉक रखेंगे, क्योंकि भाई अपना ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, मैं आप लोग को दिखाऊँ ZX वेरियंट है, ये चीज़ चेक करो। सो एक काम चल रहा है धीरे धीरे सीट कवर्स का, सो एक बार लग जाए उसके बाद मैं आप लोग को साथ साथ दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली जो अपने जैज का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा दूँ, बिल्कुल अपनी ब्रांड न्यू कार थी, जो कि मॉडिफिकेशन आप लोग अभी देख रहे थे। और भाई रात तक पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट में दिखा दूँ,
सो भाई इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, जो DRL है टॉप एंड मॉडल है। सो भाई DRL आपको ये कंपनी से ही मिलता है, साथ साथ भाई जो मॉडिफिकेशन हुई है वो इंटीरियर में हुई है, मैं आप लोग को चेक करवाऊँ। तो भाई सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाऊँ, तो भाई गाड़ी फुल डैम्प हुई है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, डबल लेयर की डैम्पिंग हुई है, अंदर भी हुई है और भाई बाहर वाले पैनल पर हुई है, जो कि डिफरेंस आप लोग अभी पता कर पाओगे। सो भाई ये विदाउट डैम्प है, ये आवाज़ सुनो, और ये भाई डैम्प है भाई, दोनों आपके सामने है सब कुछ। तो भाई डैम्प जरूर करवाए, अगर आप लोग को बेटर आउटपुट चाहिए तो भाई डैम्प अपनी गाड़ी जरूर करवाना, ये भाई रिकमेंड होता है। साथ साथ भाई जो काम हुआ है इंटीरियर में हुआ है मैं आप लोग को दिखाऊं। तो भाई सबसे पहले तो डोर की बात करें तो अपना ये ऑस्ट्रेलियन लेदर रहने वाला है, जिसकी फिनिशिंग और क्वालिटी आप लोग चेक कर पाओगे यहाँ से। साथ साथ पूरे सीट कवर भी यही लगे, मैं आप लोग को दिखाऊं। सो भाई सर की डिमांड थी कि स्पेशल पन्नी लगा दिया जाए गाड़ी पे, ताकि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लगे। सो भाई वैसा ही कर दिया गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह आप लोग को सब मैं दिखाऊं। साथ साथ स्टेयरिंग जो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में दिखा रहा था, उसी का कॉम्बिनेशन रखा गया, डुअल कॉम्बो यहाँ पे रखा गया, बेज कलर का और ब्लैक का, जो कि इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है उसी का कॉम्बो रखा गया। साथ साथ सीट कवर की आपको मैं बेस्ट चीज बताऊं तो भाई ये बर्फी स्ट्रेट वाली डिजाइन है, सर ने स्पेशल फोटो दिखाया था कि मुझे ऐसी कुछ चाहिए, तो भाई स्पेशल डिमांड पे बनी है। आप भी चाहते हो भाई कैसे सीट कवर बनवाने तो वैसे भी बन सकते हैं, आप लोग को मैं अंदर एक बार दिखा देता हूँ इसकी फिनिशिंग। सो पहले भाई स्टेयरिंग देखो, बिल्कुल OEM वाला, टॉप मॉडल में आपको ये सब नहीं मिलता, सो इसको लगाया गया। इसकी फिनिशिंग यहाँ से आप लोग चेक कर पाओगे, सो ऐसा कुछ रहने वाला है, मैं आप लोग को दिखाऊँ साथ साथ, ये चीज़ चेक करो भाई, सब कुछ आप लोग के सामने है। और भाई सिस्टम की बात करें तो सिस्टम स्टॉक रहने वाला है, स्पीकर भी स्टॉक है, सर का खुद का बेस ट्यूब था उसको ऐड किया गया, बस इसमें DSP ऐड की गई है इसका, और साथ साथ मोनो भी ऐड हुआ है, मैं आप लोग को दिखाऊं। भाई पाइनर का यहाँ पे मोनो ऐड हुआ है, जिससे आप बेस मैक्सिमम पे कर रखा है, इससे आप बेस आउटपुट कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ साथ भाई एक बार और मैं आपको एक चीज़ एक और दिखाऊं, तो भाई यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है इसको ही प्रॉपर स्टिच किया गया, ये चीज़ देखो भाई प्रॉपर तरीके से इसको स्टिच किया गया। और भाई जो फिनिशिंग है, क्वालिटी सब कुछ आप लोग के सामने है, पीछे के सीट कवर देखो, सब कुछ आप लोग के सामने। भाई मेरे को यही मेन चीज़ आपको दिखाना था साथ साथ, और सर थोड़ा सा लेट हो रहे थे तो इस चक्कर में लगा नहीं है। बेस्ट चीज़ की बात करूँ तो भाई यहाँ पे ट्विटर्स की प्लेसिंग हुई है, हर्ट्स के हैं, आप लोग चीज़ चेक कर पाओगे भाई, हर्ट्स के रहने वाले। सो भाई अब बात आती है इसके आउटपुट की, तो यहाँ तो आपका भाई, उससे पहले एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूँ, तो भाई नीचे पूरी डैम्पिंग वो फ्लोरिंग हुई है, फ्लोरिंग ये चीज़ चेक करो, फ्लोरिंग के फायदे मैंने आपको बता ही दिए थे। तो भाई अब बात आती है आउटपुट की, तो यहाँ तो आपका भाई डालेगा NCS का सॉन्ग ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक, बट यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी रहेगी, वहाँ जाके फॉलो करो, वहाँ आपका भाई डालेगा पंजाबी या हरियाणवी सॉन्ग का आउटपुट, वहाँ पे आप जरूर मुझसे दो बातें भी कर सकते हो, आपको कोई क्वेरी हो मुझसे आप पूछ सकते हो, सो आप फॉलो जरूर करना, और भाई कोई क्वेरी वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे NCS का सॉन्ग इंजॉय करो। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा जैस के इंटीरियर की फुल मॉडिफिकेशन करी, साथ साथ डैम्पिंग हुई है गाड़ी के अंदर, और भाई आउटपुट भी आप लोगों ने चेक करा कितना प्यारा आउटपुट निकल के आ रहा है जैस के अंदर। भाई राकेश भाई साथ रहने वाले, सारा काम हुआ जो ललित कार एक्सेसरीज पे हुआ है, मैं आप लोग को बता दूं। तो राकेश भाई सबके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, इस गाड़ी में टोटल प्राइस कितना लगा? टोटल प्राइस अराउंड 15-20,000 का है, ठीक है, मतलब 10 से 15 में हम इंटीरियर ऐसे रेडी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो भाई कपड़े की क्वालिटी की बात करूं तो अपना ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड लेदर था, काफी अच्छा भाई वर्क फिनिश काम हुआ, जो कि आप लोगों ने चेक करा फिनिशिंग। साथ साथ एक चीज और बताऊं तो भाई सर की डिमांड थी स्पेशल बर्फी सीधी खड़ी लाइन बनवाने की, तो भाई वो डिजाइन बनाया गया, आप लोग की भी कोई डिमांड हो इस टाइप के सीट कवर बनाने तो वो भी रेडी कर दिया जाएगा, वो इंटीरियर भी रेडी कर दिया जाएगा। सो राकेश भाई एक बात बताओ, जैज ना सही, होंडा की और गाड़ी हो गई, मारुति की हो गई, उसकी मॉडिफिकेशन करवानी है तो किसी को कहाँ पे आना है? यही आना है ललित कार एक्सेसरीज पे, जो कि आर्य समाज रोड पे है, सीधे हनुमान जी के मंदिर है वहाँ से सीधे रोड अंदर की तरफ आती है, और यहाँ नाई वालन में आना है, अपोजिट धनलक्ष्मी बैंक। चलो ठीक है, तो भाई ने प्रॉपर लोकेशन बता दिया, बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारा लोकेशन और नंबर मिल जाएगा, नंबर तो यार फ्लैश हो ही रहा होगा।
और भाई किसी भी चीज की क्वेरी हो बलिनो से रिलेटेड, आपकी एक्स वाई जेड कोई भी गाड़ी हो, सारा मॉडिफिकेशन करते हैं हम। बिल्कुल ऑफकोर्स, सारी बेस टू टॉप इवन टॉप मॉडल का भी करते हैं। इवन हम कस्टमर को जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए बिल्कुल तरीके से, तब तक हम उनके से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो भाई सब कुछ आप लोग देखते हो वीडियो में, मुझे फॉलो करते हो, तो भाई मैं हमेशा ट्रस्टेड जगह की वीडियो बनाता हूँ, ताकि जहाँ पे काम अच्छे से हो, जहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल भी हो कि यहाँ काम सही हो रहा है, मैं वहीं की वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ, और कहीं जगह की वीडियो में बनाता हूँ राकेश भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, चलो भाई राकेश भाई का ललित कार एक्सेसरीज का काम मेरे को काफी अच्छा लगता है। सो विद दिस एंड गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चलो और रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस।